हेलो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें हम पढ़ रहे थे कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम्स जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं, जो हमारे एनपीओ से रिलेटेड होते हैं। और उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ लिया था सब्सक्रिप्शन, है ना, कि वॉट इज सब्सक्रिप्शन एंड हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर। तो अब उसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लाइफ मेंबरशिप फीस, मतलब कोई ऐसी फीस जो पूरे लाइफ के लिए पे कर दी गई हो और अब हम उसके मेंबर बने रहें। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द होल ऑफ लाइफ, मतलब जब भी कोई अमाउंट हम ऐसा अमाउंट पे करें जो किसके लिए पे करें, होल लाइफ, पूरी लाइफ के लिए, जिसके बदले हमको सर्विस मिलती रहे, तो वो हमारा क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप फीस होता है। ठीक है, फिर अब इसका नेचर क्या होता है, ये कैपिटल नेचर का होता है, ये कैपिटल रिसीप्ट है। ठीक, और इसको हम कैपिटल रिसीप्ट को कहाँ पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में इसे ऐड कर दिया जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में और कैपिटल फंड में इसे ऐड करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। ठीक, तो एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस होता क्या है, जब भी हम किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनते हैं, तो मेंबर बनते टाइम जो हमें पेमेंट करना होगा, ठीक है, कि उसको हम ज्वाइन कर सकें, फिर उसके बाद मेंबरशिप अलग आ जाएगा, मेंबरशिप फीस, है ना। तो ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, एडमिट होने के लिए जो पेमेंट हमको करना पड़ेगा वो हमारा क्या होता है, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। जैसे क्या दिया है, अमाउंट पेड बाय अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ अ एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या होता है हमारा, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, है ना, हमारा अपना स्कूल, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमारा अपना स्कूल। ठीक, तो यहाँ पे दो फीस लगती है, एक लगती है एडमिशन फीस और दूसरा लगती है ट्यूशन फीस। ठीक है, अब ये जो एडमिशन फीस है, जब आप स्कूल में एंट्रेंस देते हैं और एंट्रेंस देने के बाद जब आप एडमिशन लेते हैं, तो आपकी एडमिशन फीस अलग होती है और मंथली फीस अलग होती है। क्या होता है, मंथली फीस होती है ना, अब ये क्वार्टरली भी लिया जा सकता है, मंथली होती है। ठीक, तो ये पैसा आप एक बार पेमेंट करते हो, एक बार देना होता है, उसके बाद आपको ये पेमेंट करना होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो पेमेंट है, ये स्कूल को ज्वाइन करने के लिए हुआ, स्कूल भी हमारा एनपीओ ही है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, इसी को बोलते हैं। और जो मंथली फीस हम देते हैं, उसको हम बोलते हैं मेंबरशिप फीस। ठीक, अब जैसे मान लो होल लाइफ के लिए पेमेंट कर दें, अब स्कूल तो 12th तक ही है, फिर उसके बाद कॉलेज में जाओगे, है ना, तो मान लो, है ना, कि ये स्कूल फीस ना होके एक हेल्थ क्लब है। क्या है, स्कूल की जगह पे ऐसी कंडीशन में हम क्या मान लें, जब हमको, हम ये क्लियर हो गया कि एडमिशन फीस क्या है और मेंबरशिप फीस क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस का भी एग्जांपल यहीं पे दे दे रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कोई क्या है ना, हेल्थ क्लब है। हेल्थ क्लब का मतलब कि हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं, जहाँ पे जो है इस हेल्थ से रिलेटेड जो है वर्क होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स भी इसमें हेल्थ में इंक्लूड हो गया, है ना, फिटनेस से रिलेटेड, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है। तो वहाँ पे जब आप ज्वाइन करोगे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो ज्वाइन करते टाइम आपको स्कूल फीस में जैसे अलग से लिया जाता है, वो एडमिशन फीस लिया जाएगा। अब आप चाहते हो कि हमको बार बार पैसा ना देना पड़े, तो आप पूरा पेमेंट क्या करते हो, फुल अमाउंट पे कर देते हो फॉर होल लाइफ, होल लाइफ। अब लाइफ तो डिसाइड है नहीं, है ना, तो जब डेट डिसाइड है नहीं, तो इसीलिए जो हमारा ये लाइफ मेंबरशिप फीस था, ये कैपिटल रिसीव्ड हुआ और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में चला गया। ठीक, और एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस का क्या है, उसका टाइम हमको पता है कि जैसे ही आप ज्वाइन करोगे
तो इसका टाइम क्या हो गया, खत्म। तो ये हमारा क्या होता है कैपिटल, ये हमारा जो है रेवेन्यू रिसीप्ट होता है। ये कौन सा रिसीप्ट होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट होता है, और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, स्पेशल रिसीप्ट। तो स्पेशल रिसीप्ट क्या है, जब भी कोई अमाउंट हमको किसी स्पेशल ओकेजन के लिए मिलेगा, किसके लिए मिलेगा, स्पेशल ओकेजन के लिए मिलेगा, तो वो हमारा क्या होगा, स्पेशल रिसीप्ट होगा। तो स्पेशल रिसीप्ट क्या है, स्पेशल रिसीप्ट्स मींस रिसीप्ट्स ऑफ अमाउंट फॉर स्पेशल ओकेजन, स्पेशल ओकेजन, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए जब कोई पैसा हमको मिलता है तो वो हमारा क्या होता है, स्पेशल रिसीप्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए कंट्रीब्यूशन, जितने भी मेंबर थे या और भी जो लोग थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया पैसा, है ना, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर, साल में एक बार डिनर होता है और उसके लिए वो आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, सब लोग साथ में मिलके डिनर करते हैं साल के एक दिन। तो वो स्पेशल ओकेजन किसी खास वर्क काम के लिए मिला है, और कोई एक ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पे वो ये सब करते हैं, तो उसके लिए जो पैसा मिला वो स्पेशल रिसीप्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, स्पेशल रिसीप्ट के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनता है, ठीक है, एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं इसके लिए, क्या करते हैं, सेपरेट अकाउंट इसके लिए ओपन करते हैं, और इसमें रिसीप्ट को क्रेडिट कर देते हैं, क्या करते हैं, रिसीप्ट को कर देते हैं क्रेडिट, यानी जो स्पेशल रिसीप्ट है क्रेडिट हो जाएगा और उससे रिलेटेड एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक। और जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कब, जब रिसीप्ट एक्सेस होगा एक्सपेंडिचर से, ठीक है, जो एक्सपेंसेस हुआ है एनुअल रिसीप्ट का, अगर उससे रिसीप्ट का पैसा ज़्यादा है तो क्रेडिट में, और अगर एक्सपेंस का पैसा ज़्यादा है तो जितना एक्सेस होगा वो उसके डेबिट में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा डोनेशन। तो डोनेशन हमारा दो होता है, एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है। अब देखिए स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, जब कोई डोनेशन जो मिला है वो क्या होगा, यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, मींस जब कोई डोनेशन हम किसी स्पेसिफिक पर्पस में ही यूटिलाइज कर सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन। व्हेन डोनेशन रिसीव्ड इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, इट इज कैपिटलाइज्ड, ये क्या होता है, कैपिटलाइज्ड होता है, कैपिटल नेचर का होता है, क्योंकि जब स्पेसिफिक वर्ड आ गया तो कैपिटल नेचर होगा, किसी खास काम में ही यूज करेंगे, जनरल पर्पस में यूज होगा नहीं। तो इसे हम कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन क्या है, ठीक है, जनरल डोनेशन क्या होता है, जब डोनर डज नॉट
स्पेसिफाई द पर्पस, ठीक है, जब उसके यूटिलाइजेशन का पर्पस स्पेसिफाई नहीं होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, जनरल डोनेशन बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा लीगेसी। अब लीगेसी क्या होता है ना, तो ये होता है इट इज द अमाउंट विच अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी रिसीव्स एज पर द विल, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब कि जिस पर्सन का डेथ हुआ है जब उसकी इच्छा से, ठीक है, या वो किसी वसीयत कर दे किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, या कंडीशन कभी कभी स्पेसिफाई हो भी सकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीगेसी बोलते हैं। इट इज़ द अमाउंट विच अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी रिसीव्स एज पर द विल, विल मतलब इच्छा अनुसार या उसकी स्वेच्छा से, ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। अब इसमें दो कंडीशन है, या तो इसका जो है कंडीशन स्पेसिफाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। इफ डोनर स्पेसिफाई इट्स यूज, अगर डोनर इसके यूज को स्पेसिफाई करता है तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीव्ड। ये कैसे ट्रीट होगा, एज ए कैपिटल रिसीव्ड ट्रीट होगा, और कैपिटल रिसीव्ड को कहाँ पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में दिखाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद इफ डोनर नॉट स्पेसिफाई इट्स यूज, अगर डोनर ने इसके इसके यूटिलाइजेशन को स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसको कहाँ और कैसे यूज करना है, तो ये क्या होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू रिसीव्ड। ये क्या हो जाएगा हमारा, रिवेन्यू रिसीव्ड होगा, और जब रिवेन्यू रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है, तो इसे हम कहाँ पे दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यानी इनकम में दिखाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। क्या आता है, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। तो कोई भी एसेट्स है क्या, एसेट्स में जैसे हमारा लैंड है, ठीक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, है ना, ये हमारे बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने, अब भाई यहाँ पर अर्निंग कैपेसिटी तो बढ़ाना नहीं, NPO है, तो यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं हम, तो हमें क्या करना है कि हमारी सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं, सोशल वेलफेयर की या रिलीजियस है ना, एजुकेशनल है, तो उसमें जो चीज़ें फैसिलिटेट कर रही होंगी उस ऑपरेशन उसको ऑपरेट करने के लिए, वो हमारा एसेट्स होगा, फिक्स एसेट्स होगा। तो अगर कोई फिक्स एसेट सेल किया है हमने, तो उससे जो पैसा मिला है, ठीक, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हमने इन पे पैसा खर्च किया था, जब इसको हमने परचेज किया, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जब हम इसको सेल करेंगे तो भी ये कैपिटल ही होगा, लेकिन तब रिसीप्ट होगा, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये बैलेंस शीट में एसेट्स साइड में रिलेवेंट एसेट्स से, ठीक है, डिडक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इस
पे जो गेन या लॉस होगा, इस पे जो गेन या लॉस होगा वो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। गेन कहाँ पे जाएगा? इनकम में। और लॉस कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। यानी अगर गेन हुआ तो क्रेडिट, लॉस हुआ तो डेबिट में लिखा जाएगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। ओके, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल में भी हमारा जो है कोई स्पोर्ट्स क्लब है, तो अगर कोई यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है तो यूज्ड को ही क्या बोलते हैं हम? कंज्यूम्ड। क्या बोलते हैं? कंज्यूम्ड। ठीक, तो हो सकता है अ पार्ट ऑफ स्टॉक, जो स्टॉक हमारे पास है उसका एक पार्ट कंज्यूम किया गया हो। तो जितना कंज्यूम होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो बैलेंस होगा वो बैलेंस शीट के एसेट्स में शो किया जाएगा। ठीक है? अब इसके बाद एक कंडीशन आता है इसमें कि सेल, ठीक, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल सिर्फ आपको इतना दिया है ना, सिर्फ सेल आपको दे रखा है कि सेल किया है यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को, है ना। इन केस ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल दैट इज सोन एज कंज्यूम्ड इज सोल्ड, मतलब सिर्फ आपको क्या दिया है कि कंज्यूम किया और उसको बेच दिया, तो जो बेचने से पैसा मिलेगा, इन केस ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड इज सोल्ड, तो ये हमारा सेल कहाँ पे चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लेकिन हो सकता है आपको ये दिया हो इन केस ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल इस अपेयर इन बैलेंस शीट इज सोल्ड। क्या किया? उसको बेच दिया। जो यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल था वो बैलेंस शीट में दिया है और उसके बाद हमने उसको बेच दिया, तो ऐसे केस में जो सेल होगा, जो सेल से पैसा आया होगा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल, तो वो तो चला जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है? क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसीप्ट होगा। लेकिन अगर उस पे कोई गेन या लॉस हुआ है तो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। हमें पता है कि गेन कहाँ जाता है? क्रेडिट में, और लॉस कहाँ जाता है? डेबिट में जाता है। किसके? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। ठीक है? नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर मैगजीन्स है, ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम रीयूज में नहीं ले सकते, फिर से यूज सेम उसी तरीके से उसी रूप में हम उसका यूज नहीं करते हैं, इसलिए इनको सेल करने से अगर कोई पैसा आता है, ठीक है, तो उसे हम इनकम में लिखेंगे, और अगर इनको खरीदने पे कोई पैसा जाता है तो उसे हम कहाँ पे लिखेंगे? एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। ठीक है? तो अगर सेल हो, परचेज करेंगे, परचेज भी बता देते हैं, परचेज होगा तो ये क्या होगा? रिसिप्ट होगा। ठीक है? और अगर सेल होगा, ठीक, तो ये क्या होगा? रीसेल इसको बोला जाता है। रीसेल इसको करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट में आ जाएगा। अगर खरीदेंगे, सॉरी, तो परचेज किया है ना, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? सॉरी, पेमेंट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? पेमेंट में आएगा। और रीसेल, रीसेल जब हम इसको बेच देंगे तो ये कहाँ पे चला जाएगा? इनकम में चला जाएगा। ठीक है? और देखिए लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम क्या होता है कि ऑनोरेरियम इज अ टोकन पेमेंट मेड टू अ पर्सन
हु आर नॉट टू द एम्प्लॉयज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जैसे आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करने का मतलब क्या है कि आपको एक वर्क असाइन किया गया, एक टास्क दिया गया, आप उसको पूरा करो, अपना पैसा लो, जाओ। आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हो कि हमारे यहाँ रेगुलर एम्प्लॉय हो, नेक्स्ट टाइम आपको फिर से हम कॉल करें, ऐसा पॉसिबल नहीं। जैसे आपने ये जो है संविदा कर्मी आपने सुना होगा, है ना, तो वो होता है आउटसोर्सिंग से किसी को जॉब मिलती है ना, किसी कंपनी के थ्रू जॉब मिलती है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो क्या होता है, उनको जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं ऑनोरेरियम। तो ऑनोरेरियम क्या है, टोकन पेमेंट है। क्या है, टोकन पेमेंट है, ठीक है। किसको पे किया जाता है, पेमेंट मेड टू अ पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन का एम्प्लॉय नहीं है। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, यानी एक्सपेंडिचर में ये रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद हम कुछ कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, जैसे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, है ना, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द करेंट ईयर, कैलकुलेशन ऑफ द इनकम्स फॉर द करेंट ईयर, और फिर उसके बाद हम कैपिटल और रिवेन्यू आइटम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फंड बेस्ड अकाउंटिंग और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।